करना कौन सा कलर चूज करूं? प्रीति 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 हाँ प्रीति कहाँ है? वो इत्थे कित्थे होनी है भाजी जाएगी कित्थे? पर फिले बाबलू को वापस भेजना क्या है जे का बात हुई? और मिक्सर भी? अरे सुबह से 5 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं हम मिक्सर को, और अम्मा ने तो बर्फीले बबलू में मलाई की कुल्फी भी जमने रख दी, उसका क्या करेंगे? बर्फीले बबलू को हाथ लगाने की भी सोची ना, तो मैं भी उसमें रख के जमा देंगे। अरे इतने दिनों बाद घर में कोई नई चीज आई है। गोमती बोल दिया ना, फ्रिज और मिक्सर वापस जाएगा, बस बात खत्म। हाँ हाँ सुन लिया हम, पर जय तो पूछ रहे हैं कि क्यों काय लौटाने हैं वापस। अरे जिस फ्रिज और मिक्सर के पीछे बावली हो रही हो ना, वो गुड्डी ने भेजा है। तो का लवी और लकी देते तो भी तो हम इतना ही खुश होते ना। भैया गुड्डी ने बहुत प्यार से भेजा है, इतनी दूर बैठी है फिर भी दिख गया उसको हमारा दर्द, हमारी जरूरत। अरे 3 महीना से कलाई में बर्फ की सिकाई कर रहे हैं, और जे ठंडे लल्ला ने जब से जवाब दिया है वो भी नहीं हो पा रहा, जे दर्द दिखाई दिया किसी को? नहीं हम नहीं लौटा रहे फ्रिज और मिक्सी, बता रहे हैं। हाँ प्रीति से कुछ काम था आपको? ओ हाँ, मैं प्रीति का हस्बैंड। प्रीति मैरिड है? बताया नहीं कभी उसने। प्रीति सोने उठा रही है, सिंपल टेंशन में आ गई। वैसे वो है कहाँ? रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप अंदर नहीं जा सकते। प्रीति अंदर नहीं है, शी इज लेफ्ट द जॉब। अगर आप प्रीति को ढूंढ रहे हैं तो आप गलत एड्रेस पे आ गए। प्लीज यू मे लीव। आई होप आप मुझसे कुछ छूट नहीं बोल रही हैं। पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने बोला था ना उन उल्टे उल्टे मुझे यहाँ तक आ जाएगा, मुझे घर जाने जितनी। चल घर चलते हैं। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वो ड्रॉप कर देगा। हम सब यहाँ तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत नहीं है उसकी कि वो यहाँ आए और कुछ कर सके। So this is our crash initiative for working women who have recently delivered a baby. It will help them focus on their parenthood duties as well as their responsibilities for their work. As our CEO Mr. Nayak rightly said, if we work in the present to retain our female workforce, it will help us maintain the attrition of the IT sector. At the end of the day, this is the goal for all IT companies.
We also strive to create workplace conditions. There are more welcomes to working mother. This is great. My colleague Alisa and I have designed a PPT to describe the creche environment, and she has some great ideas about the design aspect. हम निकले छोटे छोटे शहरों से हम छोटे छोटे शहरों से अभी भी हम समझ नहीं पा रहे दिक्कत का है फ्रिज से निकाल कर काय नहीं पी लेते ठंडा पानी आप ठंडा पानी पी के ना तुम्हारे अकल को नजला हो गया है अरे फ्रिज लाकर दे रही है गुड्डी मिक्सर लाकर दे रही है कल को बोलेगी हमने घर का खर्च उठाया हमें घर में हिस्सा चाहिए तुम खाना कुल्फी चटनी लगाकर हमारी गुड्डी ऐसी नहीं है जब तक यहाँ थी हमें भी पता था पर मुंबई की हवा पानी ने उसे बदल दिया है लिख कर दे रहे पछताओगी प्रीति ना आपके हस्बैंड बोल रहे थे कि आप घर से भागी थी पैसे गहने सब लेकर वो ये भी बोल रहे कि उनके पास सबूत है और गवाह भी है व्हाट नॉनसेंस गवाह मतलब कौन वो उसके गुंडे दोस्त मैंने भी यही बोला था पर वो बोल रहे हैं कि इनकी अपनी फैमिली उनके साइड से गवाही देने को रेडी है भारी इल्जाम है ये मैडम कि अगर पैसे गहने सब लेकर भागी होती तो फिर हमारे साथ शेयरिंग में क्यों रहती हॉस्टल में क्यों रहती वो सलोन वाली जॉब वापस लेने क्यों जाती वो बरोबर है लेकिन हमें भी लीगल तरीके से चलना पड़ता है ना देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने आपके हस्बैंड की बात मान ली लेकिन क्या है ना फिर आपको भी बोलनी पड़ेगी अपनी स्टोरी वो भी जमा टिका के वरना प्रीति तू बोलना ऐसे चुप रहने से नहीं चलेगा प्री हम है ना तेरे साथ तू बोल खुल के मैम हम एक मिनट बाहर लेके जा सकते हैं प्लीज ठीक है चल 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 ओ मैम मी करत सांगते तू माणूस ना एकदम खोटाळलाय हो बरोबर आहे तुमचं पण लीगल प्रोसिजर आम्हाला पण फॉलो करावा लागतो अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो गुड्डी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया गुड्डी ने आज तक कभी पुलिस वाले से बात तक नहीं की कभी ट्रैफिक पुलिस ने भी पकड़ा तो हमने जाके रफा दफा कर दिया था सारा मामला कितनी घबरा रही होगी गुड्डी लेकिन तो पता भी नहीं हुआ क्या है लवी शांत इतना फफल मत अरे दत्ता कैसे शांत हो जाए आप समझ नहीं रहे सुमन एक बार फोन तो कर गुड्डी को अरे इस टाइम पे इतनी रात को वहां पर पीकर गुंडे बदमाश घूम रहे होंगे पता नहीं कैसा माहौल होगा पुलिस स्टेशन का गुड्डी फोन ही नहीं उठा रही है हमारे घर परिवार में आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया ये तो नर्क हो गए कहा कर दो गुड्डी ने आराम से बैठो धीरे धीरे सांस लो आराम से पहले लंबी सांसें 10 9 गिवअप करेगी ना तो हार जाएगी जीतना है ना तो फाइट तो मारनी पड़ेगी ना मेरी अपनी फैमिली उसके साथ है श्री किसे फाइट मारूं कैसे फाइट मारूं उन्हें पता है वो मेरा भरता बना देगा जान ले लेगा मेरी पर तब भी सब लोग उसी के साइड है ना एक बार ना मैं दुनिया को फाइट मार सकती हूँ पर अपनों को कैसे फाइट मारूं? वैसे भी कोई भी नहीं मानेगा मेरी बात वापस वही सब सबूत लाओ प्रूफ लाओ और मेरे पास सिर्फ मेरा सच है और उस सच का कोई सबूत है ही नहीं मेरे पास राधिका तो क्या करेगी ऐसे ही जाने देगी बिना फाइट मारे हार जाएगी बलदेव आज लॉकअप में है ना आज रात कहीं ओवरनाइट मुंबई से बाहर चली जाऊंगी कोई ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां वो मुझे कभी ढूंढ ही ना पाए
फोन नंबर वगैरह सब बदल दूंगी, नाम भी बदल दूंगी। प्री, दिस मेक्स नो सेंस। अगर डेंजर तेरे सामने है तो आग बंद कर लेने से डेंजर खत्म नहीं हो जाएगा ना? क्या करेगी, कैसे एडजस्ट करेगी? एंड समहाउ बलदेव उधर भी पहुंच गया, फिर वहां से वापस मूव करेगी, लाइफ में यही करती रहेगी। सही कह रही है प्रीति, भाग जाओ तुम। झांसी, क्या कह रही है तू? इसने कहा ना अभी अभी कि यही बेस्ट है, वो अपना नाम बदल देगी, शहर बदल देगी, कहीं और चली जाएगी, बलदेव नहीं ढूंढ पाएगा इसे। और अगर ढूंढ लिया तो फिर से अपना नाम बदल देगी, शहर बदल देगी, दुनिया बहुत बड़ी है, नहीं ढूंढ पाएगा इसे। हाँ मतलब लाइफ ऐसे ही कटेगी, पर क्या चॉइस है, ऑप्शन भी तो नहीं है ना इसके पास, है ना प्री? झांसी, तू सुन भी पा रही है तो क्या बोल रही है? इसके पेरेंट्स इसका साथ नहीं दे रहे, इसे फोर्स कर रहे हैं कि शादी मत तोड़ो, उसके साथ एडजस्ट करना सीखो, ये सबूत नहीं है ना? इससे पहले इंडिया में इतनी सारी लड़कियों के साथ ये हो चुका है, ये सबूत नहीं है ना? है क्या प्रीति, नहीं है ना सबूत? अरे पर इसे अपनी बात तो बोलनी पड़ेगी ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है यार? हमें लगता है हमें बलदेव को एक और चांस देना चाहिए। अगर इसे अपने पति के खिलाफ FIR नहीं करानी है तो ठीक है ना, शायद इसे लग रहा होगा मन में कि वो सुधर जाएगा। राधिका, कुत्ते की दुम है बलदेव, कभी सीधी नहीं होगी। और तुझे पता है ना उसने क्या क्या किया मेरे साथ, और तू बोल रही उसे एक चांस दे दू? कुछ भी हो जाए मैं उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रीति, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, वही जीतेगा ना? वो चाहे कितना भी तुम्हारा बिगाड़ ले, तुम तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नहीं राधिका, हर बार वो नहीं जीतेगा, उसने जो किया है ना उसकी सजा उसको मिलेगी। मैं दिलाऊंगी सजा, फाइट मारूंगी, किसी और के लिए नहीं, बस खुद के लिए मारूंगी, फाइट मारूंगी भी और जीतूंगी भी। यही तो श्री वैशाली और हम तुम्हें बता रहे थे, यही तो चाहते थे हम। और तुम्हारी वो फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी ये फैमिली तो है ना तुम्हारे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.